हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, अदानी विल्बर का शेयर लगातार गिर रहा है और लोगों में सब में टेंशन हो गया है कि कितना गिरेगा। उसके बारे में बात करेंगे, बाउंस कहाँ से ले सकता है उसके बारे में बात करेंगे और टारगेट्स क्या रह सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें तेज़ी कब आएगी अदानी विल्बर में, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इसको होल्ड कर रहे होंगे। किसी ने आईपीओ में लिया होगा, किसी ने बीच में लिया होगा 400 में, किसी ने 500 में, किसी ने 550 में, कि काफ़ी लोग ऐसे भी है जो ऊपर के लेवल पे अटके हुए हैं। 700, 750, 780 पे भी काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है। तो इसी के कारण काफ़ी लोगों में परेशानी है कि अदानी विल्बर का शेयर को हो क्या गया है, गिर क्यों रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा वीक है सेंटिमेंट्स। फ्राइडे को ही मार्केट फॉल हुआ था। अदानी विल्बर का स्ट्रांग सपोर्ट था 631 पर, उसको ब्रेक करके शेयर नीचे आ गया है। 622 पे क्लोज दिया था फ्राइडे को, जो कि थोड़ा सा एक निगेटिव बात हो गई है अदानी विल्बर के लिए। अब देखना यह है कि कितना नीचे जाता है। अगर आप लोग वॉल्यूम भी देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम अभी 10 लाख से 13-14 लाख के आसपास ही उसका वॉल्यूम एक स्टैग्नेंट हो गया है। मतलब जब तक बहुत ज़्यादा हीवी बाइंग नहीं आती है अदानी विल्बर में, स्ट्रांगली ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है उससे। और एक निगेटिव बात यह है इसके अंदर कि एएसएम स्टेज 4 में होने के कारण इसमें बाइंग करते हैं तो 2 दिन तक बेच नहीं पाते हैं। और मार्केट की सिचुएशन अभी ऐसी है कि गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बढ़ने के कम होते हैं। इस डर के मारे भी काफ़ी लोग जो हेवी इन्वेस्ट करते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसको बाय नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी इसमें सेलिंग प्रेशर लगातार बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये 622 पे क्लोज हुआ था। मंडे को भी मार्केट नीचे ही जाने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी जगह पे फॉल हुआ है मार्केट। यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट में ज़बरदस्त फॉल हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा। तो मंडे को ये 600 रुपीज़ के लेवल को टच कर सकता है अदानी विल्बर का शेयर। अब ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है इसके लिए। अगर 600 के लेवल को ब्रेक करता है तो 550 के लिए ये शेयर जा सकता है। जो लोग अभी इसको एवरेजिंग करना चाहते हैं, थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, इसको स्टेबल हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी लगातार गिर रहा है। 600 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे गया तो 550 का एक परफेक्ट लेवल, बाइंग लेवल होगा अदानी विल्बर के लिए। जो कि 550 से आपने देखा था कि बाउंस किया था स्ट्रांगली और उसके बाद ऊपर गया था 770 तक। और दूसरी बात, इसको जब तक 770 रुपीज़ ये क्रॉस नहीं करता है, इसमें हम लोग 770 अगर क्रॉस कर लेता है एक बार तो इसका 980 से 1000 रुपीज़ के लेवल खुल जाएंगे। बट अभी मार्केट के सिचुएशन देखते हुए हो सकता है थोड़ा सा नीचे ही जाए या साइडवेज ही जाए अदानी विल्बर का शेयर। बट फ्रेंड्स, जितने दिन कंसोलिडेशन करेगा या जितना गिरेगा उतने तेज़ी से ही बाउंस भी कर सकता है अदानी विल्बर का शेयर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है ये। और जब एक बार कोई तेज़ी आएगी तो इसमें भी ज़बरदस्त इसमें उछाल देखने को मिलेगा। बट जो लोग थोड़ा थोड़ा बाय करना चाहते हैं, जैसे कि 631 में काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा, बट बाय करते वक्त एक ही बात ध्यान रखना है आपको, बल्क में बाय नहीं करना है। 10-20 शेयर्स बाय करके एवरेजिंग करके बाय कीजिए, क्योंकि 600 पे समझो थोड़े आपने 10-15 शेयर्स बाय किए तो 550 पे 10-15 शेयर्स बाय कीजिए। और उसके बाद में अगर गिरता है तो 500 का तो स्ट्रांग सपोर्ट है ही, बट मोस्टली ये शेयर 600 से भी बाउंस कर सकता है या 550 से भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। मंडे को तो गिर के 600 तो जाना इसका 99% तय है। उसके नीचे अगर मार्केट फिर से ट्यूसडे को भी क्लोज अगर लो ही रहा तो हो सकता है 600 के साइडवेज जाके 600 के आसपास ही घूमता रहे, बट उससे ब्रेक किया तो 550 के लेवल भी खुल सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। लॉन्ग टर्म को आपने किस लिए बाय किया ये आप सोचिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिकवर होगा। भले 2-3 महीने लगे तो आपको लॉस तो देके नहीं जाएगा अदानी विल्बर का शेयर, ये बात पक्की है। ये बात ज़रूर है कि अभी मार्केट में कंडीशन ऐसे होने के कारण अच्छे अच्छे शेयर की पिटाई हो रही है, तो अदानी विल्बर भी इससे भी उससे अलग हटकर नहीं है, उसमें भी पिटाई होना ये एक एक्सपेक्टेड बात है। बट अभी आपने देखा होगा तो कंपनी का ओवरऑल प्रोजेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, और ऑयल, एडिबल ऑयल का जो सेक्टर है वो ईयर ऑन ईयर 10% से ग्रोथ होने का बहुत स्ट्रांग चांसेस है। ऑयल सेक्टर जो है, एडिबल ऑयल सेक्टर, उसका प्रोजेक्शन ये है कि ईयर ऑन ईयर 10% से ग्रोथ तो इसकी तय है। तो उसके हिसाब से आप जानते हैं कि अदानी विल्बर का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है एडिबल ऑयल सेक्टर में। कंपनी ने कुछ दिनों पहले पोहा भी लॉन्च किया है 2 ब्रांड से। उसके अलावा कंपनी लगातार एक्विजिशन लेने के मूड में है। कोहिनूर राइस को तो बाय कर ही लिया है, हो सकता है हमें आने वाले दिनों में और कोई नई न्यूज़ मिले। कि मैंने आपको बताया था कि अदानी ग्रुप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें हो सकता है अदानी विल्बर का कोई नया प्लांट लगे या कोई नया कोई वो सेटअप करे वहाँ पे, तो
तो ऐसी भी कोई न्यूज़ आई तो मार्केट में फिर से अदानी विवर में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए पेशेंस बना के रखिए। पर जो अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो हर गिरावट में थोड़े थोड़े बाय करके रखिए, बाउंस करेगा तो आपका जो लॉस हो रहा है वो रिकवर होते हुए दिखेगा, बट बल्क में बाय नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बाय करना है। तो देखना यह है कि नेक्स्ट वीक में ये 600 से टर्न करता है कि 550 तक जाके टर्न करता है, ये देखने वाली बात होगी, बट एक बार 550 टच कर भी सकता है नेक्स्ट वीक में, ऐसे चांसेस है। तो आपको डरना नहीं है, होल्ड करना है और बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से एवरेजिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन अदानी विल्मर। आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक 550 टच करेगा या 500 करेगा या 600 से ही बाउंस करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि और उसके ज्यादा नीचे जाएगा। पर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर नीचे नहीं जाएगा, अभी अच्छे लेवल पे आ चुका है, कभी भी बाउंस करने के लेवल पे ये शेयर आ चुका है। बट मार्केट जब क्रैश होता है फ्रेंड्स तो शेयर गिरता ही है, इसलिए डरने की बात नहीं होती है। और मार्केट लगातार गिरेगा ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कुछ दिनों तो मार्केट ऊपर ही ऊपर गया था और अभी पिछले हफ्ते मार्केट डाउन जा रहा है, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी डाउन जाए, बट बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं अदानी विल्मर में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट शेयर है टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू फ्रेंड्स।